भारत विविधताओं का देश है, आस्था और धर्म यहाँ के रग रग में बसा है, और यही वजह है कि सालों भर यहाँ अगर हम बात मेले की करेंगे तो वो नज़र आता है। लोग हर चीज में, हर तीज त्यौहार की अगर बात करेंगे तो उत्सव मनाते हैं, और अगर भारत के मेले की बात करेंगे तो मेला, यूँ तो सारे मेले एक जैसे होते हैं, मेले में हर चीज़ होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मेले में लिए जा रहे हैं जो एक महीने तक चलता है और ये दूसरे मेलों से अलग है। हम बात कर रहे हैं श्रावणी मेले की, जो सुल्तानगंज से शुरू होकर बाबा धाम के इस मंदिर तक एक महीने तक चलता है। अपने आप में यह एक अद्भुत मेला है। इस मेले में लोक आस्था के विविध रंग देखने को मिलते हैं, जहां श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ से गंगा जल उठाकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को अपना जलाभिषेक कर जो अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं। हम अभी बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर परिसर में खड़े हैं, जहां कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो यहां पे आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आज आपको हम लिए चलते हैं बाबा मंदिर के इस अनूठे प्रांगण में, जहां लोक आस्था के विविध रंग देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं श्रावणी मेले के जुड़े कुछ तथ्यों को जानने, कुछ बातों को जानने। इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों लोग 105 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल नंगे पांव तय कर यहां तक पहुंचते हैं। लोक आस्था से जुड़े हुए इस मेले में जब लोग सुल्तानगंज से जल लेकर निकलते हैं तो पूरे रास्ते मानो भक्तों का, श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है और वो सैलाब यहाँ पर आकर ठहर जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे भक्त जो है यहाँ पे आते हैं, और इस मंदिर में जो गर्भगृह है, भगवान शिव भोलेनाथ जो विराजते हैं उन पे जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूरी होती है, और यही वजह है कि लोग 105 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आते हैं। कुछ भक्त हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सहरसा से आए हैं। सहरसा से कब जल उठाए थे यहाँ, कितने दिन में पहुँचे? 3 दिन में पहुँचे। पूरे सफर का कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत अच्छा रहा। पूजा भी बहुत बढ़िया से किए। रास्ते में किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ? कुछ किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर जिले यूपी से। यूपी से आए हैं? जी सर। किस तरीके से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना कर पाए? पूजा अर्चना जल चढ़ गया गुरु पूर्णिमा का जी। कब उठाए थे जल? परसों उठाए थे। कहाँ? सुबह सुल्तानगंज से 6 बजे। कल शाम को आ गए यहाँ पर 8 बजे। ठीक। सुबह यहाँ पर जल चढ़ा गुरु पूर्णिमा का। अच्छा। कल जो सावन पहला जल चढ़ाया जाएगा जी। क्या मान्यता है, क्यों यहाँ पे इतनी दूर जल चढ़ाने के लिए आप आए हैं? मान्यता है तो ये यहाँ पर ये है, जो कोई भी इंसान दिल से कुछ भी मांग लेता है तो उसका भगवान बैद्यनाथ बाबा पूरा करते हैं। कितने साल से आप आ रहे हैं? हम तो लगभग 18-19 साल से आ रहे हैं। प्रत्येक साल आते हैं? प्रत्येक साल आते हैं, 2 साल छोड़ कोरोना में। तो 2 साल बाद ये मौका लगा जी। इस बार कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले से बढ़िया लग रहा है। तो आप देख सकते हैं भक्तों को लेकर के एक जो उत्साह, उमंग और आस्था जो है वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। एक और भक्त हैं, हम इनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव हरियाणा दिल्ली। तो यहाँ किस तरीके से आए हैं और कब से आप आ रहे हैं? पहले वहाँ से दिल्ली गुड़गांव से घर आए और फिर यहाँ आए गाड़ी से। कितने साल से आप आ रहे हैं? दूसरा साल है मेरा ये। कैसा अनुभव, कैसा रहा? बहुत, इस साल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब आते हैं तो किस तरह का सुकून, किस तरह की शांति और किस तरह के अंदर से खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलता है, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो कामना मन कामना करते हैं पूरा होता है, जो मनोकामनाएं होती है पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रांगण है ये भगवान भोलेनाथ का प्रांगण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के विषय में कई प्राचीन कहानियां जो है प्रचलित है। इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह ज्योतिर्लिंग कई मायनों में खास है। इसलिए खास है कि इस ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो उसमें कहीं ना कहीं जो लंकापति रावण थे उनका योगदान था। दूसरी इस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ शिव और शक्ति
ये आप दो मंदिर जो आप देख रहे हैं और दोनों मंदिर के बीच में जो गठजोड़ किया गया है, ये शिव और शक्ति दोनों का यह केंद्र है। तो अपने आप में शिव और शक्ति की पूजा आराधना जो है एक साथ होती है, ये अपने आप में एक कहा जाए तो ये एक अद्भुत जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं गठजोड़ के माध्यम से शिव और पार्वती को जोड़ा गया है। जो श्रद्धालु जिनकी मन्नता होती है, जो कुछ अपने मन में कोई मन्नता माने हुए होते हैं और वो जब यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके से वो अपने मन्नता को पूरे करते हैं। तो ये अपने आप में इस मंदिर की एक खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में क्या आम क्या खास, क्या गरीब क्या अमीर, सारे लोग एक जैसे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दंडवत करके लोग यहाँ पे आते हैं, लोग दंडवत होते हैं और अपनी मांगों को पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो अपने बच्चों का मुंडन जो है, मुंडन संस्कार जो होता है, जो एक हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, मुंडन संस्कार वो यहाँ करते हैं और उसके बाद उस बाल को यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे मुंडन संस्कार में चढ़ाए हुए बाल से बाबा जो भोलेनाथ है, बाबा बैद्यनाथ है, उनसे विशेष आशीष जो है बच्चे को प्राप्त होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी जो कई किलोमीटर लंबी यात्रा करके, तो कुछ लोग जो है वो सीधे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भगवान की जो है जलाभिषेक करते हैं। बहुत सारे लोग, एक कहा जाए तो ये काफी कठिन माना जाता है और यहाँ पे जो लोग हैं, हम कोशिश करते हैं इन लोगों से भी बात करने की कि कहाँ से आए हैं ये बम। आप लोग कहाँ से आए हैं? और हम मालदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट बंगाल से आए हैं। कितने दिनों का सफर करके आए हैं, कैसे आए हैं? हम लोग तो बाइक से आए हैं। बाइक से? कितने सारे लोग हैं आप लोग? हम लोग 16 उन्नीस को बच्चा लेके 19 आदमी। 19 लोग कहाँ से जल उठाए, कैसे आए और फिर किस तरीके से? सुल्तानगंज में जल उठाया है और वहाँ से बाइक लेके आए हैं। बाइक से कितना समय लगा आपको? समय लगा, सुबह में हम लोग गाड़ी छोड़े थे, 7 बजे छोड़ा है, 11 बजे यहाँ पर पहुँचा है। 11 बजे रास्ते में किस तरीके से सारी चीजें हुई और किस तरीके से रहे? रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया है। महिलाएं भी हैं, आप इस सफर करके आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन्नतें मांगी थी? पहले भी कभी आप यहाँ आई हैं? हाँ, पहले 2 बार आए हैं। 2 बार आए? हाँ। कैसे आए थे? वो इस भूसा से आए थे। बाबा ने हमारा बहुत विपद से उद्धार किया है। हम लोग एक झंझट में फंस गया था, बाबा पास आए थे, मन्नत करके किया था, बाबा ने हमको उस झंझट से मुक्ति मिलाया है, इसीलिए बाबा के पास आए हैं। बाबा मेरे लिए बहुत बहुत, मैं पता नहीं चलता बाबा मेरे लिए क्या है, बहुत जल्दी से मुक्ति आया हमको, बहुत ज्यादा, नहीं तो हम लोग 5 आदमी, हम 2 समिस्त्री है, 3 लड़कियां है, बाबा के पास आए, मंत्र किया है, किया, अगर नहीं मुक्ति मिलते तो हम 5 आदमी पीस खा के मर जाना चाहिए थे, ऐसा संगत आए थे हमारे पास। ऐसे समय में बाबा आपके साथ खड़े, बाबा हमारे साथ थे, बहुत आसान है मेरे ऐसे समय में। यहाँ पे जो मन्नत किया था वो पूरा हुआ, इसके लिए फिर अब आए और हर साल आएंगे। आप बताइए, आप पहले भी कभी आई हैं यहाँ, कैसा लग रहा है आने के बाद? अच्छा अच्छा लग रही है, पहले भी एक बार आया है यहाँ पर, अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आकर के क्या बोलते हैं आप सब लोग? बोल बम बाबा एक सहारा है, बोल बम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की आस्था है। कहते हैं कि जो भी मन्नतें, जो भी मुसीबत, जिस भी समस्या में कोई अगर डूबा होता है तो बाबा उसको अपार लगाते हैं, बाबा ही एक सहारा है। तो ये अपने आप में अगर कहा जाए तो इस मंदिर की, इस जगह की, इस पूरे यात्रा की, इस उत्सव की, इस श्रावणी मेले की एक खासियत है। अब इस मंदिर की क्या खासियत है, हम बात करेंगे यहाँ के पुरोहितों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानेंगे कि मंदिर में क्या कुछ खास है, क्यों लोग यहाँ आते हैं, क्यों लोगों की आस्था इस तरीके से है, क्यों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हम बात कर रहे हैं श्रावणी मेले की, बाबा बैद्यनाथ धाम की। जब बाबा बैद्यनाथ धाम की बात होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर का एक प्राचीन इतिहास है, यह इतिहास रावण से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर को, बाबा के इस धाम को जो है रावणेश्वर के मंदिर से जाना जाता है। क्यों और
कब से है ये, कैसे यहाँ आया, कैसे प्रतिस्थापित हुई है मंदिर और लोगों की आस्था किस तरीके से यहाँ के साथ जुड़ी हुई इस मंदिर के साथ। आइए हम यहाँ के पुजारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। अगर हम बाबा नगरी के बाबा के इस धाम के इस मंदिर की अगर हम बात करें तो क्या इतिहास है। पहले तो जय वैद्यनाथ, जय जगदम्बा महारानी। इस मंदिर का अति प्राचीन काल से रहा है और इस मंदिर का कोई इतिहास नहीं, कोई ये नहीं कि कब आया, कैसे आया, क्यों आया। हम लोग इतना ही जानते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा यह स्थापित किया गया है और यह कामनालिंग वैद्यनाथ हैं, रावण के द्वारा लाया गया है। जब रावण ने तपस्या किया कि भगवान शिव को मैं ले जाऊँगा अपने पास, वो हमारे पास रहेंगे लंका में, तो बड़ी मुश्किल हुई। तो अपने यहाँ वो एक विचार किया उन्होंने कि अगर ये सभी देवता ने मिल करके विचार किया कि भगवान शिव को अगर वो ले जाएंगे अपने यहाँ लंका में तो और सबों का क्या होगा, इस पृथ्वी का, इस कैलाश से उठा करके ले जाएंगे तो हम सबों का क्या होगा। ये तो आदि देव महादेव हैं, देवों के देव, तो हम सबों का क्या होगा। तो सबों ने मिलकर ये प्लान बनाया तो भगवान एक कामना लिंग के रूप में रावण को दिया गया हाथ में कि आप इन्हें ले जाइए, आप जिस कामना के लिए ले जाना चाहते हैं सभी कामनाओं को ये पूर्ण करते हैं। लेकिन एक यह मेरा एक वरदान रहा, ये तो या तो अभिश्राप मानकर चलिए कि इनको जहाँ आप रख देंगे वहीं इनकी स्थापना हो जाएगी, फिर पुनर् ये कहीं जाएंगे नहीं। तो ये रावण के द्वारा लाया गया, ये हमारे शिव जी हैं, रावण लेकर चले अपने लंका की ओर। तो फिर आप सभी देवताओं को लगा कि ये रावण अगर ले जाएंगे या कामना लिंग को अपने लंका में, फिर यह पृथ्वी का क्या होगा, इस धरात पर यह मनुष्य मानव जीवन में जो मानव बन करके आने वाले हैं उस जीव का क्या होगा। तो फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, वरुण के रूप में जाकर के उनके उदर में प्रवेश हुए, वरुण प्रवेश होकर के अब लघुशंका उनको लगा, तो लघुशंका लगा तो ब्राह्मण के रूप में थे रावण, उनको लघुशंका तो करना ही था, लघुशंका करना था तो बिना जल लिए था लघुशंका करेंगे नहीं। और वो भगवान शिव उनके पास हुए कामना लिंग के रूप में है, वो जब तक कहीं रखते नहीं है तो वो ब्राह्मण वो शिव को लेकर लघुशंका करेंगे कैसे। इस अवस्था में उनको वहाँ रखना पड़ा, यहाँ उस रूप में वो हमारे वैद्यनाथ यहाँ हैं। वो रावण फिर लघुशंका किए, यहाँ रख करके लघुशंका करके वो शिवगंगा के रूप में अब उनको कहीं जल नहीं मिल रहा था, जैसे कि वो हस्त प्रक्षालन करें या पैर प्रक्षालन करें या स्नान करें या कुल्ला करें या और कुछ करें तो पानी जल नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपने मुष्टिक प्रहार करके या शिवगंगा को उन्होंने पाताल गंगा के रूप में प्रकट किया और वहाँ से फिर वो हाथ पांव धो करके जब आए शिव जी के पास तो शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने तो कह दिया कि अरे रावण मुझे हिलाने या डोलाने या ले जाने से अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो यहाँ स्थापना हो गया, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ और कहीं जाने वाला नहीं है। यह रावण के लाया गया हमारा वैद्यनाथ है, इसका कोई इतिहास नहीं है, आदि का अति प्राचीन काल से हमारे वैद्यनाथ आए हुए हैं और भगवान विष्णु के द्वारा यह स्थापना हुआ, उन्होंने अपने द्वारा अपने ही हाथ से इनको स्थापना किया, भगवान सती के, माँ जगदम्बा सती के हृदय पर हमारे वैद्यनाथ स्थापित हैं। यह विचित्र कथा है यहाँ का, और जगह आप पाएंगे त्रिशूल के रूप में लेकिन हमारे वैद्यनाथ के यहाँ पंचशूल लगा हुआ है, पंचविकार से है और यहाँ शक्ति के साथ हमारे वैद्यनाथ विराजमान रहते हैं। शक्ति के साथ शिव की पूजा की बात है, यहाँ शिव का भी मंदिर है, शक्ति का भी मंदिर है, क्या इसके इसकी कहानी क्या है। कहानी यही है कि माँ जगदम्बा सती जब खंड खंड में हुई तो माँ शक्ति का, जगदम्बा का हृदय यहाँ पातित हुआ, तो पातित हुआ तो भगवान शिव बाद में हुए, इसलिए इस जगह का नाम आज भी देवघर पड़ा है। देवघर अपभ्रंश शब्द है, इसको देवी गृह, देवताओं का घर, देवियों का घर इसको माना जाता है। तो चूंकि यह हमारे भारतवर्ष का परंपरा रहा है कि हम लोग पिता के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए यह वैद्यनाथ धाम, लेकिन देवी गृह, देवगृह या देवी का गृह, शक्ति का जगह है। माँ जगदम्बा पहले आई है, उसके ऊपर हमारे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, उनको ला करके स्थापना किया गया है, भगवान विष्णु अपने द्वारा स्थापना किए। यहाँ का विषम कथा है, बड़ा विचित्र कथा है यहाँ का, यहाँ की अजीब अनुभूति होती है, यहाँ जो स्पर्श कर लेंगे, जो पंचशूल का दर्शन कर लेंगे वो निहाल हो जाते हैं, वो उतर जाते हैं बाबू। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ों को देने वाले हमारे वैद्यनाथ हैं, कहीं एक चीज़ किन्हीं को मिलेगा लेकिन हमारे वैद्यनाथ को जो दर्शन कर लेंगे उन्हें चारों चीज़ की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति होगी उनको। अच्छा, अगर हम बात करेंगे भक्तों की तो देश दुनिया के भक्त यहाँ पे आते हैं, आस्था है उनके, इस आस्था के पीछे क्या कहानी है, क्या किस तरीके से मन्नतें होती है और ये वैद्यनाथ की कहानी क्या है जो एक चरवाहे के रूप में जिनकी पूजा की जाती है। जो हमारे यहाँ भक्तों की सबसे बड़ी आस्था है द्वादश ज्योतिर्लिंग में, यहाँ शिव और शक्ति हैं,
और यहाँ गठबंधन की मान्यता है, उसके द्वारा सबको आशीर्वाद मिलता है। चरवाहे की भूमिका जो है वो बैद्यनाथ के सेवक के रूप में है, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, लोगों की आस्था है, आस्था मन्नतें पूरी होती हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं और किस तरीके से लोगों की मन्नतों को पूरी होते देखा है आपने? हम तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से, बाप दादाओं से लगभग जो है छः सात सौ साल के इतिहास से देख रहे हैं कि भक्तों का सब मनोकामना पूर्ण होता है, और उन्हीं की कृपा है कि पहले सीमित संख्या में आदमी आते थे, आज जो है लाखों लाखों की संख्या में आदमी आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। तो यह इन्हीं की कृपा है और इन्हीं का अनुभूति है, सबको प्राप्त होता है, तब जाके इतने भीड़ को यहाँ देखा जाता है। अच्छा, ये इस देवभूमि की अगर हम बात करेंगे तो इस देवभूमि पर कई कर्मकांड जो संस्कार होते हैं हिंदू धर्म के, उसको भी यहाँ पूरा किया जाता है। कौन कौन से संस्कार होते हैं और किस तरीके से वो पूरे होते हैं? यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, और जितने प्रकार के संस्कार होते हैं सभी संस्कार यहाँ प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार के संस्कार को यहाँ मिल दिया जाता है। यहाँ पे मुंडन संस्कार होता है, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, सभी संस्कार को यहाँ किया जाता है। यहाँ सब आते हैं, सभी लोग सभी कार्य को यहाँ समर्पण करते हैं। यज्ञादि अनुष्ठान, महामृत्युंजय का जप, रुद्राभिषेक, यज्ञादि अनुष्ठान यहाँ होते रहता है। अच्छा, क्या केवल सावन में लोगों की भीड़ होती है, सावन में ही ये सारी चीजें होती है, या सालों भर ऐसा लगा रहता है? ये तो विचित्र कथा है, हमारे बैद्यनाथ यहाँ बड़े अलबेले हैं, यहाँ हर तरह का मेला लगता है। कभी देखेंगे ये कांवरिया के रूप में ये गेरुआ वस्त्र लेकर के आ गए, कभी मुंडन करके लोग खाली वो चले आते हैं, कभी वो लेकर के, तरह तरह का मेला यहाँ, तरह तरह के मौसम में तरह तरह का मेला यहाँ लगते रहता है बाबू। और दूसरी बात, यह जो हमारे बैद्यनाथ का जो मेला है, यह एक सुल्तानगंज से लेकर के तारापीठ से लेकर के यहाँ एक ड्रेस में होते हैं हमारे कांवरिया लोग, और कांधे पर कांवर होता है, और सबके मुखारबिंद से यह होता है बोलबम जय शिव जय शिव। यह पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा बाबू, हमारे बैद्यनाथ धाम ही में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि बाबा बैद्यनाथ की एक असीम कृपा है, बाबा बैद्यनाथ अपने आप में अनूठे हैं, भक्तों की सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं, कामना लिंग के रूप में उन्हें माना जाता है। यहाँ पे जो उनकी जो प्रतिकृति है, यहाँ पे जो भगवान का जो यहाँ आस्था लोगों का है, पूजा करते हैं, कहते हैं कि जो भी कामनाएं होती हैं वो पूरी होती है, बात चाहे रावण की हो चाहे आज के लोगों की हो, हर किसी की कामना जो है बाबा पूरी करते हैं। और यही वजह है कि देश दुनिया से लोग आते हैं, इस बार भी लोग यहाँ आ रहे हैं और सबकी कामनाएँ पूरी हो रही हैं। तो एक बार हम सब प्रेम से बोले जय बाबा बैद्यनाथ की, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, ओम बोले, जय जय भोले, जय शिव, ओम नमः शिवाय। हम बात कर रहे हैं श्रावणी मेले की, हम बात कर रहे हैं कांवरियों की सुविधाओं की, कांवरियों की। ऐसे में अगर सरकार के मंत्री से अगर बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। मंत्री जी, 2 साल बाद हो रहा है, क्या कुछ तैयारी की गई है, किस तरीके से सुविधा दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय समीक्षा कई बार किया, और संबंधित विभाग के सेक्रेटरीज को, सबको उन्होंने निर्देश दिया, और आप देख भी रहे होंगे कि कितने संख्या में यहाँ पर हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस बल, सब लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस बार भीड़ ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए तैयारियाँ हमने व्यापक रूप से क्या की कुछ खास है इस बार? खास है कि 2 सालों तक कोविड के गाइडलाइन के कारण भक्तों ने धैर्य रखा, और अब उनका समय आ गया है कि वो अपने बाबा से मिलने आएंगे, तो उनमें एक अलग उत्साह होगा, रोमांच होगा, और हम लोगों ने उसकी तैयारियां की है। सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी, वही जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सभी स्तर पर जो यहाँ सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी रैंक के सभी ऑफिसर को सुरक्षा को लेकर, सुविधा को लेकर, जितने फंड जिला प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं, ऊपर यहाँ के कमिश्नर ने हम लोगों से मांगा, सबको उपलब्ध कराया, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि सब चीज़ों को, हवाई अड्डा हमने तैयार किया, अंतरराज्यीय जो बस अड्डा है उसका भी अभी हम निरीक्षण करने गए थे, वो भी तैयार है। जगह जगह पंडाल डबल कैपेसिटी में बनाए गए हैं, रूट लाइन को यदि ज़्यादा भीड़ हो तो कैसे डाइवर्ट करें, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो अब पिछले सालों के अपेक्षा इस बार व्यापक प्रबंध किए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी यहाँ पर। कांवरियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कांवरियों से यही अपील करना चाहेंगे कि चूँकि भीड़ ज़्यादा होगी, और बाबा सबके बाबा हैं, आपकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि आप धैर्य रखें। 2 सालों तक जिस तरह धैर्य रखा, हो सकता है कुछ घंटे का दर्शन में देरी हो सकता है, लेकिन हम
तमाम सुविधाओं के साथ आपको बाबा का दर्शन कराने में अपनी तैयारियां कर रखी हैं, आप हमारा सहयोग करें। तो इस तरीके से देखते हैं कि मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि जब दो साल धैर्य धरे तो अब कुछ घंटे और धरे जो कांवरियां हैं, हो सकता है कि देरी हो लेकिन असुविधा नहीं होगी, इसको लेकर के राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बात हम कांवरियों की कर रहे हैं, बात हम श्रावणी मेले की कर रहे हैं, बात कांवरियों की सुविधाओं की कर रहे हैं, ऐसे में उस शख्स से अगर हम बात ना करें जो कांवरियों के सुख सुविधा के लिए देवघर से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाते रहे हैं तो बात अधूरी रहेगी। क्योंकि अभी श्रावणी मेला शुरू हुआ है, हम बात कर रहे हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की, जो लगातार अगर हम कहें यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं जो आज कांवरियों को मिल रही है तो कहीं ना कहीं इनमें इसमें इनका योगदान है। अभी इस बार क्या कुछ किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। अगर हम कहें तो दो साल बाद एक मौका फिर आया है। देखिए, मंदिर खुलवाने के लिए आपको पता है कि 2020 में मैं सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाकर ये मंदिर खुलवाया। मुझे पता है कि यहाँ की यदि जनसंख्या किसी से प्रभावित है, किसी को रोजी रोटी का सवाल है, तो ये मेला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ, उसमें विशेष तौर पर जो यहाँ प्रसाद योजना से बना हुआ है कांवरियों का होल्डिंग पॉइंट, जाकर देखना चाहिए कितना खूबसूरत बना है। भारत सरकार का वो पूरा पैसा है, 10,000 कांवरियों को हम यहाँ रोक सकते हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि उसमें भी भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपया दिया है, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इस तरह की ढेर सारी सुविधाएं हैं जिसको विकसित करने की आवश्यकता है, और जिसमें मुख्यमंत्री होने के नाते वो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है 2.5 साल से, हम कोई बहुत काम नहीं कर पा रहे। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा मुख्यमंत्री का कि राजनीति छोड़िए, बाबा के नाम पर राजनीति नहीं करिए। देवघर और बासुकीनाथ का कैसे विकास होगा, अध्यक्ष के नाते उसकी मीटिंग करिए, उसकी योजना बनाइए और काम करिए। कांवरियों को जितनी सुविधा देंगे, लोग जितने आएंगे, पूजा जितना लोग करेंगे, उतना यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को खाना पीना मिलेगा। अगर हम जो सुविधाओं की अगर बात करेंगे, अभी जैसे इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट आ गया, और अगर इलाज की बात करेंगे तो एम्स जैसी विश्व स्तरीय जो चिकित्सा सुविधा है वो, कांवरियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ इस बार किया जा रहा है और उसको किस तरीके से। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुल्तानगंज से देवघर तक जो है वो वे साइड एम्यूनिटीज के लिए जो है पैसा दिया हुआ है। बिहार सरकार ने अपना काम कर लिया है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहे हैं, एयरपोर्ट बन गया है उसके लिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना पा रहे हैं। जब ये सारे काम राज्य सरकारें कर लेंगे तो यहाँ पर्यटक बहुत बढ़े। कांवरियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कांवरिया आए, हमने सुविधा देने की काफ़ी कोशिश की है, जिला प्रशासन ने सुविधा दी है, यहाँ के जो देवघर के तमाम जनता है वो इसके लिए लगातार लगे हुए रहते हैं। कोई भी असुविधा होगी तो वो सीधा खबर करें, हम ही सभी मिलकर इस कांवर मेले को, इस सावन के मेले को जो है सक्सेसफुल करेंगे और उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखें। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो सांसद है यहाँ के, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर हम बात भोले बाबा की करें, बात अगर हम श्रावणी मेले की करें, बात अगर कांवरियों की सुख सुविधाओं की करें, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी लोग मिल करके उस कांवरियों की सुविधाओं की बात करें। कांवरियों के जो दूर दराज से पैदल चल करके 108 किलोमीटर की दूरी पूरी करके आते हैं दर्शन करने के लिए, वो जो है अच्छे तरीके से कर सके, इसको उन्होंने ज़्यादा तरजीह देने की बात कही है। तो अब चलते हैं, हम कुछ कांवरियों से भी बात करते हैं कि मंत्री ने जो कांवरियों की बात कही है, सांसद ने कांवरियों के लिए जो बातें कही हैं वो कितनी ज़मीन पर उतर रही है, कांवरिया इन व्यवस्था से कितनी खुश है और वो क्या कुछ चाहती है। श्रावणी मेले की हम बात कर रहे हैं और इस श्रावणी मेले में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग श्रद्धालु देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसकी जिम्मेवारी जो है जिले के पुलिस कप्तान पर होती है। अभी हमारे साथ में जिले के पुलिस कप्तान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें तो दो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था, क्या कुछ तैयारी है इस बार? कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था, इसके लिए एक बहुत लंबी हमारे पास में रूट लाइन है, पूरा शहर है और आप जानते हैं कि बहुत तादाद में लोग यहाँ आते हैं। पुलिस पूरी तरीके से तैयार है सुरक्षा देने के लिए, किसी भी कंटिंजेंसी से मीट करने के लिए पुलिस ने स्पेशलाइज टीम्स को यहाँ डिप्लॉय किया है। वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, NDRF है, हमारी CAPF की स्पेशल टीम्स हैं, RAF है, जिला पुलिस की टीम्स हैं, और लोगों को ऑर्डर देने के लिए, सुरक्षा और प्रदान करने के लिए हम लोगों ने 21 OP की स्थापना की है और 11 ट्रैफिक OP की स्थापना की है। सभी में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी सुरक्षा व्यवस्था और ऑर्डर का प्रभार संभालेंगे।
अच्छा, अगर हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट की, तो कुल कितने सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और किस किस स्तर पे लगाए गए हैं? लगभग 11,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक से लेके कॉन्स्टेबल्स तक के रैंक के ऑफिसर्स हैं। अच्छा, मंदिर की सुरक्षा को लेकर के कुछ विशेष, जो मंदिर में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है उसको? मंदिर में बहुत क्राउड रहती है, बहुत छोटा स्पेस है, वो हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहता है। उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड फोर्सेज और जिनको पूर्व अनुभव है, जिनकी बिल्ट अच्छी है, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ऐसे हम लोगों ने सेलेक्ट करके लोगों को लगाया है और बाबा वैद्यनाथ की कृपा से सब अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो कांवड़ियों की सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे, तो 11,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।